वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में किस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं कि काइन मास्टर से ड्यूट वीडियो कैसे बनाएं। सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन करेंगे। काइन मास्टर को ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमें न्यू प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर कई सारे एस्पेक्ट रेशियो दिखाएगा। तो हम उसमें 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करके उसे नेक्स्ट करेंगे। उसे नेक्स्ट करने के बाद में हमें कुछ जिस वीडियो का डुअल स्क्रीन वीडियो बनाना है, यानी कि ड्यूट वीडियो बनाना है, तो उसमें सबसे पहले हम उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले हम एक वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिसका पार्ट हमें डबल स्क्रीन में दिखाना है। तो सबसे पहले हम उस पार्ट को कैप्चर एंड सेव कर लेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को रिमूव करके दूसरा वीडियो सिलेक्ट करेंगे। तो मीडिया पर जाके हम फिर डीसीम पर जाके अपना दूसरा वीडियो हमने सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा वीडियो सेलेक्ट होने के बाद में हमें इस वीडियो में जिस पार्ट को डबल स्क्रीन पे दिखाना है, मतलब मेन स्क्रीन पे डुअल वीडियो के तौर पे दिखाना है, तो हम इस पार्ट को यहाँ से कैप्चर एंड सेव कर लेंगे। अब उसके आगे का प्रोसेस यह है, अब हम मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद में इमेज पे जाएंगे। उसके बाद में एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद में इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद बैकग्राउंड की लेंथ को हम बढ़ा देंगे। बैकग्राउंड की लेंथ को बढ़ाने के बाद में अब हम लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद में हम मीडिया पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करने के बाद में कैप्चर एंड सेव वाला एक पार्ट उठाएंगे, जो हमने पार्ट अभी कैप्चर किए थे। तो उसमें हम एक राइट साइड के लिए एक पार्ट उठा रहे हैं, कोई एक उठा लो। तो मैंने सबसे पहले ये वाला पार्ट उठा लिया राइट साइड के लिए। उसके बाद में हम अब इस बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसे यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन की मदद से राइट साइड में लगा देंगे और ड्रैग करके इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसे ओके करेंगे। सिंपली ओके करने के बाद में अब हम फिर लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। अब हम वहाँ से एक पार्ट उठाएंगे वीडियो का जो हमें लगाना है। वीडियो का पार्ट सेलेक्ट करने के बाद में इसे हम स्प्लिट स्क्रीन पर ओके करेंगे। उसके बाद में हम इसे स्प्लिट स्क्रीन की मदद से राइट में सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इस वीडियो के पार्ट को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो कैप्चर वाली इमेज है, हम इमेज की लेंथ वीडियो के जितनी कर देंगे। वीडियो के जितनी लेंथ करने के बाद में अब हम सिंपली से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम फिर जहाँ पे वीडियो एंड होता है, तो बस वहीं पे ओके करके फिर लेयर पे जाएंगे। और लेयर पे जाने के बाद में यहाँ से हम सिंपली फिर से वही प्रोसेस करेंगे। लेयर पे जाएंगे, फिर मीडिया पे जाएंगे। उसके बाद में अब हम फिर कैप्चर पे जाएंगे। कैप्चर पे जाने के बाद में अब हम दूसरा पार्ट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में उसे हम स्प्लिट स्क्रीन की मदद से फिर से एडजस्ट करके इसे हम अब राइट साइड में लगा देंगे। राइट साइड लगाने के बाद में इसे ड्रैग करके एडजस्ट कर देंगे और इसे सिंपली ओके कर देंगे। फिर से हम लेयर पे आएंगे और मीडिया पे जाके अब वीडियो के पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस वीडियो को हमें लगाना है। उसके बाद हम फिर वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद में इसे स्प्लिट स्क्रीन की मदद से राइट लगा देंगे। ड्रैग करके इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद में सिंपली इसे ओके करेंगे और जो हमारी इमेज है, तो इमेज की लेंथ हम वीडियो की जितनी बढ़ा देंगे और जो ऊपर हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था उसकी भी लेंथ बढ़ा देंगे। दोनों की लेंथ बराबर करने के बाद में अब हमारा डुअल स्क्रीन वीड़ियो बनके तैयार हो गया, जिसे हम ड्यूट वीडियो भी बोल सकते हैं। तो हम इसे सिंपली वहाँ से ओके करके दिखा देंगे आपको चला के। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बीच में जहाँ पे मैंने एडिट किया था, जहाँ पे मैंने दोनों को वीडियो को मर्ज किया था, वहाँ से प्ले किया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले रुकी है और दूसरी डिस्प्ले में चल रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।